अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल वेल एंड गुड। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8:14 पे। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। आपका भाई हो चुका है बिल्कुल रेडी। फ्रेश कर रहा हूँ आपको, अभी ये गाड़ी की लाइट। तो 8:14 पे तो मैंने कहीं जाना था, फैसलाबाद जाना था। अगर आपने रात वाला ब्लॉग नहीं देखा तो मैं हमजा की तरफ गया था, तो वहाँ से मैं आया हूँ लेट, ठीक है। अब मैंने फैसलाबाद जाना था, 8 हमने निकलना था, ठीक है। तो 8 मैं सो के उठाऊँ, इतनी डैडी से डांट पड़ी सुबह से। वो उठा रहे हैं, कह रहे कि नमाज के लिए भी नहीं तो उठा। अब पैदी का गोश्त ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैं चुप करके छत पर आया हूँ, व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अब मैं चलते हैं उधर और फिर फटाफट तैयार होते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 15 है, जो करना कर ले जल्दी। चलो चलते हैं। सो गाइस, मैं दुकान पे आ चुका हूँ, बस अभी मिलता है तो फिर चलते हैं। जी तो गाइस, ये ले लिया पैदी का, अब चलते हैं जी फटाफट घर, वरना कहीं और पढ़ दे। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ घर, तो फटाफट बाकी की तैयारियाँ करते हैं। जी तो गाइस, आपका भाई हो चुका है बिल्कुल रेडी, और तकरीबन 9:45 पे। और मुझे तो कोई साल लेके जाने में अब राज़ी नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही लेट कर दिया काम। 8 निकलना था और टाइम मैंने कराया जी 9:30, बस अभी डैडी आ रहे हैं तो फिर चलते हैं। अभी मैं गाइस इधर आया था बैंक पैसे निकलवाने थोड़े बहुत, तो हम निकल चुके हैं। तो गाइस, अभी हम लोग इधर पेट्रोल पंप पे आए हैं, रिफ्यूलिंग करवा ली है और अब हवा भर रही है टायरों में, बस फिर चलते हैं आगे। अब डैडी ज़रा खुद चेक कर रहे हैं प्रेशर। अभी हम लोग आए हैं फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे टोल प्लाजा पे, टोल प्लाजा पे आपको दिखाता हूँ।
रेडी इसका ना किस चीज़ की सेटिंग करनी है? स्पीकर की? स्पीकर की ये फ़ोन से कर लेना। नहीं नहीं ये साउंड की होगी ना, ये चेंज हो गया ना। कॉपीराइट आ जाएगा। सर ने सही बात की है, फटाफट बंद करता हूँ। अभी मेरे हाथ पे कुछ लग गया तो मैं ज़्यादा धोने लगा। इधर है पानी बोतल ही नहीं है। अभी मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने अपनी हुडी उतार के इधर रख दी है और डैडी उन्हें देख रहे हैं। फ्रेश होने के लिए क्योंकि काफ़ी देर से अंदर बैठे बैठे मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने कहा अभी ज़रा मैं ना वॉशरूम से हो आता हूँ। तो ये जगह काफ़ी प्यारी है। अभी डैडी उतर रहे हैं, मामा बैठी देख रही हैं, तो बस फिर मैं हो के आता हूँ वॉशरूम। आ गया? अच्छा ठीक, डैडी नाराज। अभी हम लोग आए इधर टक शॉप, ये हमारा गंदा, तो यहाँ से कोई चीज़ वगैरह लेते हैं, बिस्किट वगैरह देख ही जा रहा है। ठीक है तो बिस्किट वो मैं खा आ गए होंगे। ये रहे, कौन सा बिस्किट? ये एक पैकेट ही काफ़ी ज़्यादा खाते। ये जी चीज़ें मिल गई हैं, बड़ी लंबी लाइन में लग के। डैडी कहाँ खड़े हैं? मेरा ख्याल आ गए हैं ना, आ गए वो रहे। Oh,
आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइविंग वी रीच्ड आवर लोकेशन. ये तो मुझे पता ही नहीं, हमने फैसलाबाद आना ही नहीं था. हमने तो आना था कोई ये पेंसरा वाली साइड है, मुझे तो नहीं पता यहाँ पे. लेकिन फिलहाल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, गांव टाइप भी एक तरह का. ठीक है, तो चलते हैं अंदर, थोड़ी बहुत सैर भी कराऊंगा मैं आप लोगों को अगर मौका मिला तो. चलें आपको भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं. मैं अंदर सारों से मिल वगैरह लिया, काफ़ी देर से मैं अंदर बैठा हुआ था. तो टाइम तकरीबन मेरे ख्याल कि क्या टाइम हो रहा होगा, 4:20 हो रहे हैं. तो पता नहीं यार आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये बीच में ना ये इसकी आवाज़ पता नहीं कहाँ चली जाती है. मेरी ना इसमें घड़ी रह गई थी, वो मैं निकालना है, रखी थी. वो भाई अभी गिरने लगी थी. हाँ मिल गई. अब इसको पहनते हैं. इस तरह का है, कुछ गाँव है. उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग ज़रूर पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, है ना? हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए, स्वाब मिलता है. फ्री का स्वाब ना, लेकिन ना तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, ना तो आपको कोई आपका कोई होती है ना कमी आती है आपके अंदर. आप बस खुशी देते हैं किसी, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो सीधी बात है. ब्रेड से ग्रे करना होता है. ब्रेड मींस डेंजर. यस, ग्रे मींस मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल. यस, इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल यू आर माय फैमिली. तो अभी मैं पहन रहा हूँ घड़ी, फिर निकाल रहा था तो मुंह आ रहा ना मेरा. पिछली दफा क्या हुआ था, मुंह ही नहीं आ रहा था मेरा, इतना हिस्सा आ रहा था जब मैं हाथ धो रहा था, है ना? बस सामने पकड़ लिया. चला यार वहाँ पे गाय भैंसों के पास चलते हैं. चले तू पकड़ कर. इतने प्यारे हैं यार, छोटे छोटे कैसे खेल रहे हैं. यही तो सीन होते हैं गांव में देखने वाले. इतने प्यारे हैं. मुझे तो कुछ पता नहीं है गलियों वगैरह का, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ उस जगह पे. कुछ मेरे पीछे यहाँ पे भी हैं, कुछ आपने पिछले क्लिप में देखे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना यार. बस आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो, है ना? मैंने इसका आगे पीछे वाला माइक, एक पीछे नीचे वाला होता है 6 डॉट वाला, एक पीछे कैमरा के पास होता है, दोनों मैंने वैसे साफ़ तो किए हैं. उम्मीद है कि बीच में आवाज़ कहीं गई नहीं होगी मेरी, अगर गई है तो माजरत. लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है. इतनी है कि मेरे और हसन के जूतों का सेम है, तो मिट्टी देखें और इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. अभी गाइस हम लोग आए हैं इधर डेरे इनके, ये मेरे कज़न के, इनका यहाँ पर छोटा सा डॉग भी है. चलो चलते हैं अंदर, गाय में देखते हैं. मुझे तो अच्छा डर लग रहा. हाँ जी आप लोगों के जाने. हाँ जी हमारी बहुत सारी गायें और भैंस हैं, सारी खुली हुई हैं. सारी भैंसें हैं यहाँ पे खुली फिर रही हैं. काफ़ी बड़ा गाँव में तो
ठंड है यार यहाँ पे, तो मैं तो इसके नीचे स्वेटर पहना था, मैंने गाड़ी में उतार दिया स्वेटर। मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा हैं गाय भैंस से, यहाँ पे और भी हैं इनके बच्चे छोटे छोटे, अच्छे लग रहे हैं। इनके बाल किस तरह के, इतने सख्त अजीब सा लग रहा है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अब कहाँ जाना है? बाग में जाना है। अच्छा तो ये बाहर आ जाएगा? आ जाएगा, वैसे भी निकला था। कहाँ पे है? इधर से आ जाओ, इधर से, क्योंकि सांप वगैरह भी निकलते हैं। सांप निकलते गर्मियों में ज्यादा निकलते हैं, सर्दियों में नहीं निकलते। नहीं, इधर से चले जाए ना, उधर से जाए, इधर से मैसेज सुनो, उधर से आ जाए। तो कोई गो वगैरह, कोई बड़ी छिपकली उस तरह गो निकलती है? बड़ी छिपकली भी गर्मियों में इस तरह से ज़्यादा निकलती है, और नहर के पास पास वहाँ पर नहर भी है पास। हाँ, उसके पास। अच्छा, और काफ़ी ठंडा है ना? हाँ जी। शिकरे वगैरह निकलते हैं? शिकरे वगैरह भी निकल आते हैं। वह बहुत, अगर ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया ना तो मैं इसको पार्ट वन और पार्ट टू में कर दूँगा, ठीक है? मेरा ख्याल है ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये व्लॉग। अभी हम ये बागों में आ चुके हैं काफ़ी दूर से चल के, यहाँ पे भी थोड़े बहुत पौधे हैं। बड़ी खामोशी और सुकून मिल रहा है यहाँ पे, आगे ठंडा ठंडा था, खामोशी सुकून, मज़ा आ रहा है। मुँह ठीक आ रहा है ना मेरा? पता नहीं वो डेरे वाले यहाँ पर ना वो पिग भी होता है, पिग वगैरह नजर आते हैं, कौन जंगल टाइप ही है। ये क्या आगे? ये आगे कनक बीजी हुई है। अच्छा, ये इधर भी कनक ही बीजी हुई है, अभी उगी नहीं। कमाद क्या मतलब? कमाद वो गन्ने। अच्छा, गन्ने, गन्ने में ज्यादा रहते हैं ना वो गिद्ध। तो ये मिट्टी क्यों इतनी यहाँ पे, पाँव अंदर को ही जाए जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना अभी बीजी हुई है, ताजी है, ताली तो खराब हो जाएगी। ये तो सारे जूते में मेरा मिट्टी जा रही है। ये भी हमारे पास, ये बाग। अच्छा, ये वाला, ये हाँ, ये वाला इधर सारा, इधर से लेके इतना। अच्छा, एंड पे हमारा आता है। नहीं तो जब कुत्ते शुत्ते मार देते हैं गीदड़ को, गीदड़ को मार देते हैं, फिर क्या करते हैं गीदड़? खा लेते हैं कुत्ते, वो कुत्ते ही खा जाते हैं गीदड़। हाँ। बाकी का फेंक फूंक किधर चले जाते हैं? कब कब आते हैं ज्यादा? कभी आप लोगों के खेतों से निकला हो? निकल आते हैं, हम भी मार देते हैं। ये तो बड़ी छिपकली नहीं कभी निकली? वो भी निकली है, काफी दफा निकली है हमारे तो। जो पहले मकान थे ना, अब तो हमने नया डेरा स्टार्ट किया, नया हुआ। जो पहले मकान थे उनको जब हमने तोड़ा था, अच्छा। वहाँ से निकली थी ऊपर छतों से। अच्छा, कितनी क्या साइज था? इतनी बड़ी नहीं थी वो, छोटी थी। आपने सबसे बड़ा कितनी तक देखी, कितना बड़ा साइज देखा? मैंने थोड़ा छोटा ही देखा, इतनी सी होगी बड़ी हद से। उसकी ना पूछ बहुत ज्यादा लंबी होती है। चलो आ जाओ, यहाँ पे सारा धनिया लगा ना, यहाँ पे सारा धनिया लगा हुआ है। मैं आ रहा हूँ, चल चल बना ले बना ले, आगे आगे से बना ले, या मेरे ना बना। हाँ, ये भी छोटी है। ये किस चीज़ के दरख्त है? ये आम का। आम का काफी बड़ा है, लगते हैं इस पे? लगते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं। अच्छा, तो उतारते हैं फिर आप लोग? उतारते हैं। जाट जाट जी है ना, जाट जी लिखा हुआ। ये आप लोगों का ही है? हाँ, ये हमारा ही है, हमारे हिस्से में। जी, हम आपकी जमीन में। हमाद को जानते हैं आप? जी, हमाद, हमाद भाई बिलाल, आपके मामू। हाँ जी, बिलाल मामू। उनकी जो बेगम है ना जी, उनके भाई ने लिखा हुआ है। क्या ये?
डेढ़ किला हमारा ये है। अच्छा ये वाली साइड साइड हाँ वो सारी आ गई। डेढ़ किला किला आ गया हमारा। और एक किले में कितने होते हैं? आठ किनाल होती है। एक किले में आठ किनाल होती है। अच्छा दो किनाल ये जहाँ हम खड़े हुए हैं। अच्छा ये वाली जगह दो किले वो है गंदम बीजी हुई है। अच्छा वो उधर था आगे तक साफ है बाग नहीं है उसमें। अच्छा दो किनाल वो बाग वाली है उसमें गंदम बीजी हुई है बकाया चाचू की है। अच्छा ये आपके चाचू की है जो ब्राउन ब्राउन हुई पड़ी ये हमारी चाचू की है। ये भी चाचू की है। अच्छा वो हमारी आगे मतलब साथ तकरीबन आपकी है सारी चाचू की अपनी चीज होगी ना। हाँ, काफी है। तो आप लोग उगाते हैं फिर ये चावल भी उगाते हैं? नहीं चावल हमारी साइड पे होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि पानी थोड़ा नीचे है इधर जंग वाली साइड पे होते हैं ज्यादा चावल। अच्छा। लाहौर वाली साइड पे। अच्छा शेखुपुर वाली साइड यहाँ पे तो भाई मैं पाँव रख रहा हूँ अंदर जाई जा रहा है। शाम हो गई है मेरे जूतों का सत्ता नाश ही चेक कर मेरे अंदर तक मिट्टी आ गई है। ये चेक कर यार इसी साइड पे आ जाता हूँ। ये देखा ना अब यहाँ पे मैं ऐसे पाँव रखूँगा ना ये बहुत तक अंदर। अब मैं घर जाके इनको साफ करूंगा और फिर यहाँ पे क्या उतारना है। अच्छा कितना जाता है सन पाओ अंदर देख ले बस ये देख ले ना जा अंदर सॉक्स मिट्टी अंदर चली जानी है। आप खाएं फील के नहीं नहीं ठीक है यार ऐसे ही बस देख के अंदाजा हो जाता है टेस्ट भी मुंह में आ जाता। ये इसके अंदर ही रख दूँ शॉपर के क्या क्या शॉपर में डाल ली अब तक सब्जियाँ? सब्जियाँ हमने मूलियाँ भी डाल ली हैं। मूलियाँ शलजम धनिया और फ्रूटर डाल रहे हैं। और फ्रूटर अभी तोड़ के डाल रहे हैं फ्रेश सारी फ्रेश है। वो देखें कितने गिरे हुए हैं। ये जो गिर जाते हैं इनका क्या करते हैं आप? ये खराब होते हैं इनको कुछ नहीं करते हैं। अच्छा ये खराब होते हैं वो इनका कुछ भी नहीं करते। ये बाहर आ गया फिर से अभी कल देखा है मैंने। अच्छा हाँ लगाने देता है ये? हाँ देता कुछ है। कहता तो नहीं? नहीं कुछ नहीं कहता। चलो इसका नाम हमू है सुना है? हाँ हाँ ओए कितना प्यारा है कैसा तू ठीक है अच्छा ही है छोटा सा है। अच्छा बस ओए बस मैं डर ही गया यार ऊपर ही चढ़ रहा था ये। मोटू सा है ये। इसको खाने में क्या डालते हैं? इसको खाने में दूध देते हैं और रोटी। दूध और रोटी माशाल्लाह ठीक है। ये कमरा है भैंसों का। और ये कौन सी जगह? बकरी। और ये हमू हम मैं इसको बुलाऊं हमू सुना है उसने लेकिन मैं इसको अपने पास नहीं बुलाऊंगा इसने ऊपर चढ़ना है। ओह हो चेक करें कितने बड़े लो लाइट हो गई है यार सही लाइट नहीं आ रही आप लोगों को लेकिन मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ है। फ्लैश कितना का काम करता है यार। हम लोग जा रहे हैं वापस घर फिर वहाँ से लाहौर अपने घर। यार फ़ोन चार्ज करना है ये बड़ी मुसीबत है ना मेरे पास पावर बैंक है ना गाड़ी में वो लगा हुआ है जो सिगरल लाइटर अडाप्टर उधर तार लगा के चार्ज कर लेता। सारी बैंक से आ गई इधर ही हसन साहब ने सारी बैंक से मंगवा ली। चलो यार चले बहुत टाइम हो गया बहुत टाइम आ जाओ। ये सर क्या आप क्यों नहीं गए अभी? हम यार हमने ना अभी नया डेरा बनाया है ना ये वाला तो अभी ना आला उला जो कहते हैं ना जिस गाइस अब हम लोग लाहौर के लिए काफी देर से निकल आए हुए हैं। अभी हमने फैसलाबाद मोटरवे टूल प्लाजा क्रॉस किया। कितनी देर में देर है लाहौर पहुंचने में?
सवा घंटे हैं अभी लाहौर पहुंचे में, और मैं अभी सो के उठाऊँ, 6 बजे निकले थे हम, तो अभी 7:40 हो गए हैं, तो मैं तो सही सोया हूँ। गाइस इधर रुके हैं रेस्ट एरिया, बहुत नींद आ रही थी तो डैडी ने कहा थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं। हसन तो अभी भी गाड़ी में अंदर सो रहा है, एक मिनट। चलो गाड़ी लॉक कर दी डैडी ने, वो आगे जा रहे हैं। मैं तो 1.5 घंटा कंप्लीट सोया हूँ ना, सही है यार सारे रास्ते, नहीं तो मैंने तंग होना था। अब ठीक है मैं सो लिया तो सुकून में हूँ, चल फिर सख्त हो रहा हूँ ना। गाड़ी की लाइटें होना तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना लें, और इधर ठंड है तो मैंने हुड ऊपर कर लिया, नहीं गर्दन में ठंड लग रही थी। अब मामा डैडी लगता जाके बैठ गए हैं चाय पीने, मैं अभी चलता हूँ वहाँ पे। हमने ऑर्डर दिया हुआ और हसन भी उठ के आ गया। कितनी देर की नींद पूरी की पता नहीं, अनलिमिटेड। शुरू में सो गया, मैं भी शुरू में सो गया था, लेकिन तुमसे 20 मिनट पहले उठाऊँ। चाय आ चुकी है, अब इसको पीते हैं। इसको देख के पैदी की याद आ रही है, हर जगह ही मुझे दिखाई दे रही है। हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं तकरीबन 10 बजे, क्योंकि अब 1 घंटा तकरीबन वो रेस्ट एरिया में भी बैठे हुए थे। इतना रश और रोशनियाँ, पता लग ही गया लाहौर है, लाहौर के अलावा इधर किसी शहर में नहीं पाता। अच्छा ये थोड़ी सी हमें भूख लगी थी, क्योंकि तुम लोग आए इधर लाहौर ब्रॉड डैडी है गाड़ी लगा रहे हैं, डैडी निकल आए तो बस अभी फिर चलते हैं। डैडी को ना थोड़ा सा गुस्सा भी आया हुआ है, वो पार्किंग नहीं ना मिल रही थी इस वजह से डैडी आ रहे हैं। अभी ऊपर वाले फ्लोर पर डैडी निकला, चलो अभी ऊपर वाले फ्लोर पर आ रहे हैं। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मेरा? अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा तो लाइक करें शेयर करें, क्योंकि इतना लंबा व्लॉग मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ही बनाया है, वो भी आउट ऑफ सिटी का, पूरे दिन का, सुबह 8 बजे से लेके अब 11 बजे तक का। और अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर लाइक किया तो सब्सक्राइब तो फिर मस्ट ही है ना, वो तो करना ही करना है आपने। सारी पेट पूजा काम सारा मुकम्मल, अब जा रहे हैं जी घर, और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद ज़रूर आया होगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करें, डैडी खोले लॉक तो लाइक करें, अच्छा लाइक करें शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसे मिल रही हो इतने से लिख दी तेरे नाथ जिंदगी जाए हो सुकून भाईजान अपने घर में आके मिलता है। ठीक है तो मैं आ चुका हूँ अपने घर में, और मैं बेड लेट चुका हूँ अपने बेड पे, बहुत ज़्यादा थकन हो रही है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, और आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, बस कर दें, मुझे कहना ना पड़े, नींद आ रही है। ओके अल्लाह हाफिज़।